कोंडागांव की एक विवाहित महिला दीपांती दास को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। न्याय की आस में विवाहिता ने आईजी दुर्ग रेंज को ज्ञापन दिया था, जिसके बाद महिला थाना भिलाई नगर में विवाहिता एवं उसके पति को बुलवाया गया। यहां महिला थाने में भी उसके पति और साथियों द्वारा विवाहिता से दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी वजह से दीपांती दास काफी डरी सहमी नजर आई। एएसपी के आदेश के बाद भी महिला थाना प्रभारी द्वारा विवाहिता की परेशानी को सुनकर अनसुना कर दिया गया। विवाहिता दीपांती दास व उसे न्याय दिलाने उसका लगातार साथ दे रही बाबी दास एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील ने मामले की जानकारी दी। मैं आप लोगों से सिर्फ यही विनती करना चाहती हूँ कि श्रीमती दीपांती दास कोंडागांव की यह लड़की है, इसकी शादी भिलाई में श्री मिथुन दास रुआवाला सेक्टर में वो निवास करता है, उसके साथ हुआ था। ये लड़की शादी के बाद से ही बहुत प्रताड़ित हुई और ये यहाँ भटक रही है क्योंकि अब इसका कोई नहीं है। इसके पिताजी की डेथ बचपन में हो चुकी थी और अभी इसकी माँ की भी डेथ हो गई है। ये लड़की यहाँ पर दर दर भटक रही है, महिला थाना हर जगह ये भटक रही है सिर्फ न्याय पाने के लिए। और इसके ऊपर जो भरण पोषण जो कोर्ट ने इसको ये सुविधा दी कि आप भरण पोषण के हकदार हैं, आपको वो मिलना चाहिए, वो उसे इसे मिल नहीं रहा है और अपनी 3 साल की बेटी के साथ यहाँ भटक रही है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ये लगा कि मुझे इसका समर्थन करना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि इसे न्याय मिले। मेरा नाम दीपांती दास है, मेरा विवाह श्री मिथुन दास भिलाई में हुआ है। मैं कोंडागांव से आई हूँ। मेरे को मेरे सास मतलब सिप्रा भौमिक मेरी सास और मेरे पति मिथुन दास मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते थे विवाह के बाद से। विवाह के बाद में तब गर्भवती हुई, तभी मेरी मौसी सास मेरे को बहुत टॉर्चर करने लगी, तो मैंने न्यायालय में केस किया। न्यायालय में केस करने के बाद भरण पोषण का केस किया मैंने, जहाँ पर भरण पोषण न्यायालय आदेश दे दिया भरण पोषण के लिए मेरी बच्ची को, और मेरे को भरण पोषण 4,800 रुपये दिया जाए करके। मेरे पति एक बार भी न्यायालय नहीं आ रहे हैं और न्यायालय में उपस्थिति भी नहीं दे रहे हैं और भिलाई में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी तक मेरे को आज तक भरण पोषण 1 रुपया भी नहीं मिला है। मैं अपनी बच्ची के साथ दर दर भटक रही हूँ 3 साल से। अभी मेरी माता जी का निधन 1.5 महीना पहले हुआ है और अभी देखने के लिए हमारे कोई नहीं है, मेरे बच्ची के सिवा मेरे पास कोई नहीं है। शारीरिक रूप से बहुत परेशान। अभी मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे का भरण पोषण किया जाए। और अभी जब मैं थाने में आई भिलाई में, देखी मेरे पति आ नहीं रहे हैं कोर्ट में, उसके बाद आई देखी वो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मेरे को भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, तो मैं थाना महिला थाना में जाके शिकायत की, तो वहाँ पे बुलाया गया मेरे पति को। लेकिन मेरे पति अकेले नहीं आए, पूरे मतलब 2 गाड़ी लोग मतलब 10-20 लोग लेके आए और मेरे को महिला थाना में ही धमकाया गया कि तुम यहाँ क्यों आई हो गंदी औरत करके, और मेरे को यहाँ से चले जाओ, भिलाई में दिखना नहीं चाहिए तुम और तुम्हारी बेटी को, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमको अगर दोबारा यहाँ दिखी तो तुमको मार डालेंगे तुम और तुम्हारी बेटी को। बहुत सारे लोगों ने मेरे से धमकाया थाने में। कोंडागांव की एक महिला है जिसका नाम दीपांती है एवं उनकी एक 3 वर्षीय पुत्री ऋषिका नाम की 3 वर्षीय महिला है, पुत्री है, जिनका की विवाह भिलाई के मिथुन दास से हुआ था। शादी के उपरांत से लेके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उसके चलते उन्हें पुनः भिलाई से कोंडागांव जाना पड़ा और उसके बाद न्यायालय में उन्होंने एक प्रकरण दर्ज किया, जिसके उसके फैसले में आने के बावजूद उस न्यायालय में मिथुन दास की अनुपस्थिति रहा, जिसमें एक जमानती वारंट निकला था जिस पे यहाँ के स्थानीय प्रशासन द्वारा उसके घर में पहुँचने के बावजूद उनके घर के द्वारा यह बताया गया कि ये यहाँ पे निवास नहीं करते, जिसके कारण जमानती वारंट भी वापस बार बार जाता रहा।
वर्तमान में उनकी माताजी के देहांत होने के कारण और उनकी आर्थिक परिस्थिति से जूझने के चलते दीपांति दास एवं उनकी 3 वर्षीय पुत्री भिलाई में आकर अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही थी। जिसकी जानकारी जब हम लोगों को मिला तो हम लोग उसके सामने समक्ष जाकर उनकी समस्त जानकारी से अवगत होने के उपरांत स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया गया था। उस पर एडिशनल SP द्वारा तत्काल गंभीरता से लेते हुए महिला थाना की प्रभारी को इसकी सूचना दी गई, परंतु कल जब दिवंती दास के द्वारा जब महिला थाना में पहुंची, उसी थाना में मिथुन दास वहां पहुंचने के उपरांत उनके सहयोगी द्वारा जब उनके साथ बदतमीजी एवं जान से मारने की धमकी तक दिया गया, उसको लेकर फिर एक शिकायत दर्ज की गई है। और प्रशासन से हम लोग बार बार एक गुहार लगाते हैं कि जिस तरह से एक महिला के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर अगर जल्द ही न्याय नहीं मिलता है तो इसके संबंध में हम लोगों को सड़क पर आकर इसका आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।